नमस्कार दोस्तों, कंट्रोल हिंदी यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे देश के कुछ प्रथम ट्रांसजेंडर के नाम, जिन्होंने देश के लिए बहुत सारी उपलब्धियाँ हासिल की है। जैसे कि कोई एज ए ट्रांसजेंडर देश का प्रथम मेयर बनी है, तो कोई देश का प्रथम ट्रांसजेंडर वकील बनी है, तो कोई देश का प्रथम ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैं इस टॉपिक के ऊपर एक डिटेल्स वीडियो बनाया हूँ, जिसका पूरा लिस्ट आपको वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग पूरे इस वीडियो को देखिए बिना स्किप करते हुए, और अगर हो सके तो साथ ही इसके एक प्रॉपर नोट्स भी प्रिपेयर कर लीजिए, ताकि एग्जाम देने से पहले आपको इस टॉपिक को रिवाइज करने में बहुत ही ज़्यादा सुविधा हो। और साथ ही आप लोग से अनुरोध करता हूँ कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो तुरंत इसको अभी सब्सक्राइब करें, और बगल में जो बेल नोटिफिकेशन आइकन बना हुआ है उसमें क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए, ताकि मैं जब भी इसी तरह का कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बनाओ तो उसका नोटिफिकेशन सीधा आपका मोबाइल में पहुंच पाए। तो चलिए आज और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपना वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देश का प्रथम ट्रांसजेंडर पुलिस अधिकारी कौन बने हैं? तो इनका नाम है प्रीतिका यासिनी, जो तमिलनाडु स्टेट से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का प्रथम ट्रांसजेंडर जज कौन बने हैं? तो इनका नाम है जोहिता मंडल, जो वेस्ट बंगाल स्टेट से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का प्रथम ट्रांसजेंडर वकील कौन बने हैं? तो इनका नाम है सत्यजी शर्मिला, ये भी तमिलनाडु स्टेट से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का प्रथम ट्रांसजेंडर सैनिक कौन बने हैं? तो इनका नाम है सावागिरी, जो आप फोटो में देख पा रहे हैं, यही है सावागिरी जी। तो ये इंडियन नेवी में अपना सर्विस देते हैं। आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा, पूछ सकता है कि जो देश का प्रथम सैनिक है वो किस फोर्स में अपना सेवा देती है, तो उसका आंसर होगा इंडियन नेवी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का प्रथम ट्रांसजेंडर जो चुनाव लड़ी थी उनका नाम क्या था? तो उनका नाम है मुमताज भोली, जो पंजाब के रहने वाली है, और इन्होंने जिस पार्टी का होकर चुनाव लड़ी थी उसका नाम है BSP, जिसका फुल फॉर्म है बहुजन समाजवादी पार्टी, जो मायावती जी का पार्टी है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है देश का प्रथम ट्रांसजेंडर विधायक का नाम क्या है? तो इनका नाम है शबनम बानो, जो सोगापुर MP का रहने वाली है, वहीं से भी ये चुनावी जीती है और वहां से वो विधायक भी चुनी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का प्रथम ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत कौन बने हैं? तो इनका नाम है गौरी सबन, जो महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करती है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह देश का प्रथम ट्रांसजेंडर मेयर कौन बनी है? तो ये होगा मधु रानी जी बनी है देश का प्रथम ट्रांसजेंडर मेयर, और ये रायगढ़ से मेयर बनी है, जो छत्तीसगढ़ का कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का प्रथम ट्रांसजेंडर मेडिकल असिस्टेंट कौन बने हैं? तो इनका नाम है जिया दास, जो वेस्ट बंगाल का रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्थ ईस्ट का पहला ट्रांसजेंडर डॉक्टर कौन बनी है? तो इनका नाम हो जाएगा ब्योन सेलिश्रम, जो मणिपुर स्टेट से बिलोंग करते हैं। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि जो नॉर्थ ईस्ट का अगर कुछ भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है तो उसमें जो पर्टिकुलर स्टेट होता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इसीलिए मैं इस स्टेट का साइड में एक स्टार मार्क भी रखा हूँ, ताकि आप लोग अच्छे से इसको याद रख पाए कि ये जो है मणिपुर स्टेट से देश का प्रथम नॉर्थ ईस्ट का ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है, जिसका नाम है प्योन सेलिश्रम। उसके बाद है, केरल का प्रथम ट्रांसजेंडर डॉक्टर कौन बनी है? तो इनका नाम होगा VS प्रिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की प्रथम किन्नर प्रिंसिपल कौन बनी है, ट्रांसजेंडर प्रिंसिपल? तो इनका नाम होगा मानवी बनर्जी, जो कृष्णनगर महिला कॉलेज का प्रिंसिपल है, जो वेस्ट बंगाल का एक कॉलेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की प्रथम किन्नर न्यूज एंकर कौन बनी है? तो इनका नाम है पद्मिनी प्रकाश, और ये जो चैनल में अपना सेवा देती है उनका नाम है लोटस न्यूज, जो तमिलनाडु का एक लोकल न्यूज चैनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का प्रथम ट्रांसजेंडर जिन्होंने सेनेटरी प्रतियोगिता में भाग लिया था और प्रथम भी हुआ था, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है नितिशा विश्वास, जो वेस्ट बंगाल का रहने वाली है। तो इन्होंने जिस कंपटीशन में भाग लिया था उसका नाम है मिस ट्रांस क्वींस 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक्मे फैशन वीक 2017 जो दिल्ली में आयोजित किया गया था, उसमें पूरा दुनिया का प्रथम ट्रांसजेंडर जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है अंजलि लक्मा, और वो जो देश से बिलोंग करती है उस देश का नाम है नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने वाली दुनिया की प्रथम ट्रांसजेंडर
कौन है? तो इसका जवाब होगा लॉरियल होवार्ड, जो न्यूजीलैंड के रहने वाली है और इन्होंने जो ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था उसका नाम है कॉमनवेल्थ गेम्स, जो गोल्ड कोस्ट में हुआ था पिछले दफा, उसी में इन्होंने भाग लिया था। अब कुछ क्वेश्चन है जो ट्रांसजेंडर से रिलेटेड है, बट इसमें कोई ट्रांसजेंडर का नाम नहीं है, या ट्रांसजेंडर से रिलेटेड कुछ प्लेस का नाम है जो लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसको भी ध्यान से पढ़िए और याद रखिए। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, किन्नरों के लिए प्रथम प्राइमरी स्कूल कहाँ पर खोला गया है? तो इसका जवाब होगा कुशीनगर, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और नेक्स्ट है ट्रांसजेंडर का जो कल्याण बोर्ड खोला गया वो कहाँ पर खोला गया? तो ये होगा महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है ट्रांसजेंडर के लिए प्रथम क्लिनिक कहाँ पर खोला गया? तो इसका जवाब होगा केरल। ट्रांसजेंडरों के लिए प्रथम शौचालय कहाँ पर खोला गया? तो यह है मध्य प्रदेश। और ट्रांसजेंडरों के लिए नीति बनाने वाला दुनिया का प्रथम क्रिकेट बोर्ड कौन बना है? तो यह होगा ऑस्ट्रेलिया। और हम लोग का इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, ट्रांसजेंडरों के लिए दिया गया दुनिया का पहला स्वास्थ्य बीमा कार्ड क्या है? तो इसका नाम है सेहत इंसाफ बीमा, और इसको जारी करने वाला देश का नाम है पाकिस्तान। तो ये था हम लोग का आज का वीडियो। उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोग को जरूर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो वीडियो पे एक लाइक आप लोग जरूर कीजिएगा, और साथ ही आप लोगों से मैं अनुरोध करता हूँ कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो इसको तुरंत अभी अपने दोस्तों के बीचों में शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो से हमारे और भी भाई और बहनों को फ़ायदा मिल पाए। तो आज के लिए वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप लोगों से मेरा मुलाकात होगा मेरा कोई दूसरा वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग हमेशा पढ़ाई के साथ जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।